DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12th. 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस. ऑनलाइन एडमिशन ओपन. विजिट dpsajmer.in. नर्सिंग कर्मचारियों की मांगों को लेकर प्रदेश स्तर के प्रदेश अध्यक्ष खुशी राम जी मीणा राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में मेडिकल कॉलेजों में सभी नर्सिंग कर्मचारियों द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है. हमारी पांच सूत्रीय मांगे काफी वर्षों से लंबी चल रही है, लेकिन सरकार हमारी मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रही है. कोरोना जैसी महामारी के चलते जो किसी तरह का सरकार पर वित्तीय भार नहीं पड़ रहा है, केंद्र के समान वेतन है और नर्सिंग ऑफिसर बनाने की मांग है. हाल ही सरकार के द्वारा 28 अप्रैल को 9000 ANM GNM की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन नियुक्ति में किसी तरह की गाइडलाइन स्पष्ट नहीं, जोनिंग से संबंधित स्पष्ट नहीं दी गई है. इससे सभी नर्सिंग कर्मचारियों में रोष की स्थिति व्याप्त बनी हुई है. और हाल ही 2 दिन पहले रघु शर्मा जी के द्वारा एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि नर्सिंग ऑफिसर पदनाम की घोषणा को हमने गंभीरता से लिया है और इसका फैसला 1-2 दिन में हो जाएगा. आज उस बात को 4 दिन बीत गए हैं, मंत्री जी के द्वारा किसी तरह का कोई जवाब नहीं मिला है. इसलिए कोविड जैसी महामारी के चलते सभी नर्सेज ने जनमानव भावना को देखते हुए काली पट्टी के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराया है. और अगर सरकार इन मांगों पर इम्प्लीमेंट नहीं करती है तो काली पट्टी के माध्यम से विरोध दर्ज कराया जाएगा और आगे आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी. भवजीत पथेना, प्रदेश मीडिया प्रभारी, राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन. काली पट्टी दिखने दे.